हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? दिस इज सिल्की खन्ना, वेलकम टू माय चैनल। एंड बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर कंस्ट्रक्शंस। आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू ऑल द क्वेश्चंस ऑफ दिस चैप्टर ऑन द शीट ऑफ पेपर, सो दैट आपको अच्छे से समझ आ जाए बच्चों। सो लेट अस स्टार्ट अवर फर्स्ट क्वेश्चन, विच इज डिवाइड अ लाइन सेगमेंट ऑफ 6 सेंटीमीटर इन द रेशियो 3:2 इंटरनली। तो इसका क्या मतलब है कि हमें 6 सेंटीमीटर की लाइन सेगमेंट को 3:2 में डिवाइड करना है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को करने के हमारे पास दो मेथड्स हैं एंड आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू बोथ द मेथड्स बच्चों, ठीक है। सो फर्स्टली हमारे पास जो रेशो दे रखी है वो 3:2 दे रखी है एंड आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू फर्स्ट मेथड। फर्स्ट मेथड में हमको 3:2 का क्या करना होता है, सबसे पहले हम 3+2 यानी 5, ठीक है। तो हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले हम क्या करेंगे, 6 सेंटीमीटर की एक लाइन सेगमेंट बनाएंगे। वो हमने ऐसे बनानी है, ये बन गई हमारी लाइन सेगमेंट ए बी विच इज ऑफ 6 सेंटीमीटर। ये हमारी 6 सेंटीमीटर की लाइन सेगमेंट बन गई। उसके बाद हमने एंगल ए पर कोई भी एक्यूट एंगल बनाना है। तो एक्यूट एंगल ये ज़रूरी नहीं है कि आप 60 डिग्री का बनाएं, 30 डिग्री का बनाएं और बना के दिखाएं, ये भी ज़रूरी नहीं है। आपने कोई भी एक एक्यूट एंगल बना दिया एंड इट इज़ क्वाइट क्लियर कि दिस इज़ एन एक्यूट एंगल, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ये 5 है, तो 5 मतलब कि हमें 5 आर्क्स बनाने हैं लाइक दिस, 1, 2, 3, 4 एंड 5। हमारा ये नहीं पूरा आया तो हम इसको प्रोड्यूस कर देंगे, ये हो गया। उसके बाद ये जो लास्ट वाली आर्क है, इससे हमने बी को ज्वाइन करना है, तो हमने इसको ज्वाइन कर दिया बी से, ठीक है। अब मेन काम शुरू होता है, हमने क्या करना है, 3:2 है तो इसका मतलब हमने इस वाली लाइन के पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है। 3:2 है मतलब यहाँ पर एक पैरेलल लाइन ड्रॉ होगी ताकि हमारी ये जो ए बी लाइन सेगमेंट है ये 3:2 में डिवाइड हो जाए। इसको हम नेम कर देते हैं इन आर्क्स को A1, A2, A3, A4 एंड A5। यानी हमने A5 को B से ज्वाइन किया एंड नाउ आई एम गोइंग टू ड्रॉ अ पैरेलल लाइन एट A3 विच विल बी पैरेलल टू A5B, ठीक है। कैसे ड्रॉ करनी है, यहीं पर ही बच्चे कंफ्यूज होते हैं। सो, आपको ध्यान से देखना है कि हमने कंपस की नीडल को कहाँ पर रखना है, हमने कंपस की नीडल को रखना है यहाँ पर A5 पर, ठीक है। यहाँ से हमने ये आर्क ड्रॉ करी, ये रही, और मैंने कंपस के रेडियस को चेंज नहीं किया और अब मैं आर्क ड्रॉ करूंगी A3 पर ही क्यों ड्रॉ करूंगी, क्योंकि हमें 3:2 दिया हुआ है। सो 3 आर्क्स और 2 आर्क्स, ठीक है, 3:2, तो इसलिए पहले लास्ट वाले पे और फिर यहां पर। तो सेम रेडियस से, जिस रेडियस से मैंने यहां पर आर्क ड्रॉ किया उसी रेडियस से मैं यहां पर आर्क ड्रॉ करूंगी एट A3 लाइक दिस। उसके बाद मैंने कंपस की नीडल को रखा यहां पर और इस आर्क को मेजर किया, ये कि कितना, ये आपको दिख रहा होगा कि मैं किसको मेजर कर रही हूं, ये चीज ध्यान से देखिएगा कि मैंने किसको मेजर किया, यहां से यहां तक इस आर्क को मेजर किया। इस आर्क को मेजर करके इस रेडियस से मैं नीडल को रखूंगी यहां पर, कंपस की नीडल को मैंने रखा यहां पर और मैंने यहां से कट कर दिया लाइक दिस, ठीक है। और उसके बाद A3 को और इस वाली आर्क को, ये जो मैंने आर्क ड्रॉ करी है, इस वाले पॉइंट को और इस वाले पॉइंट को मैंने ज्वाइन करना है क्योंकि मुझे इसके पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी थी। ये प्रोसीजर किसका है, ये प्रोसीजर है एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करने का। ये मैंने ड्रॉ कर दी पैरेलल लाइन एंड देखो बिल्कुल पैरेलल लाइन ड्रॉ हुई है हमारी, बिल्कुल सही, ठीक है। इसको मैंने नाम दे दिया मान लो पी, तो दैट मीन्स मेरा AP:PB ये मेरा क्या आ गया, 3:2। AP:PB मेरा क्या आ गया, 3:2, ठीक है। जस्टिफिकेशन लिखने के लिए आप देखिए, अगर मैं नोटिस करूं इस ट्रायंगल को, ट्रायंगल A A5 B, ठीक है। अभी हमने क्या किया है, अभी हमने A3P को पैरेलल ड्रॉ किया है किसके, A5B के, करेक्ट, ठीक है। इन दोनों लाइंस को पैरेलल ड्रॉ किया है
और किसी भी ट्राइंगल में अगर दो लाइंस पैरेलल होती हैं लाइक दिस, इफ दिस इज पैरेलल टू दिस, दिस साइड अपॉन दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड अपॉन दिस साइड होता है ना. जैसे ए बी सी ट्राइंगल है और अगर पी क्यू इज पैरेलल टू बी सी है, तो बाय बी पी टी आई कैन वेरी इजिली से ए पी अपॉन पी बी इज इक्वल टू ए क्यू अपॉन क्यू सी, राइट. इन द सेम वे इफ ए थ्री पी इज पैरेलल टू ए फाइव बी, देन आई कैन से ए ए थ्री A A3 upon A3 A5, A3 A5 is equal to AP upon PB by basic proportionality theorem. Correct. अब हमारे पास A A3 upon A3 A5 3 ratio 2 है. ये हमने बाय कंस्ट्रक्शन ड्रॉ किया है ना. ये थ्री आर्क्स थे, ये टू आर्क्स, और सब इक्वल लेंथ के थे. सो ए ए थ्री अपॉन ए थ्री ए फाइव इज थ्री बाय टू बाय कंस्ट्रक्शन. सो मेरा ए पी अपॉन पी बी भी क्या आ गया, थ्री अपॉन टू. यही मुझको लाना था. माई क्वेश्चन वॉज डिवाइड अ लाइन सेगमेंट ऑफ सिक्स सेंटीमीटर इन द रेशियो थ्री रेशियो टू इंटरनली. सो मैंने ये कर दिया कि ए पी रेशियो पी बी मेरा थ्री रेशियो टू आ गया. सो दिस वॉज बाय फर्स्ट मेथड. अगर इसी सेम क्वेश्चन को मैं सेकेंड मेथड से करती हूँ तो वो कैसे करना है वो देखते हैं आप. सो दिस इज द सेम क्वेश्चन विच वी हैव डन अर्लियर. अभी इसी क्वेश्चन को हम सेकेंड मेथड से करते हैं. एंड वॉट इज द सेकेंड मेथड. सेकेंड मेथड के लिए हम फिर से एक सिक्स सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करते हैं. दिस इज ए बी लाइन सेगमेंट ऑफ सिक्स सेंटीमीटर. अब हमने क्या करना है, इसके एंगल ए पर हमने एक एक्यूट एंगल ड्रॉ करना है, लेकिन मेजर करके करना है. मेजर करके क्यों करना है, मैंने लास्ट वाले क्वेश्चन में आपको कहा था कि आपको कुछ भी एंगल का मेजरमेंट देने की जरूरत नहीं है, बट यहां पर आपको जरूरत है. क्यों, क्योंकि जो एंगल आप एंगल ए पे बनाएंगे वही एंगल आप एंगल बी पर भी बनाएंगे, ठीक है. लेकिन होने दोनों एक्यूट एंगल चाहिए, तो मैंने यहाँ पर भी एक एक्यूट एंगल ड्रॉ कर दिया विच इज 60 डिग्री. आपको पता ही होगा ये 60 डिग्री है. एंड इसी तरह से हम एंगल बी पर भी 60 डिग्री का एंगल बनाएंगे. ये आ गया मेरा 60 डिग्री का एंगल. इन द सेम वे मैं एंगल बी पर भी 60 डिग्री का एंगल बनाने वाली हूँ. So, this is my 60 degree angle at B, and now I'm going to join this. ये मेरा बन गया B पर भी 60 degree का angle. Angle A पे भी 60 degree का, angle B पे भी 60 degree का. क्यों, क्योंकि मुझे ये जो दोनों rays चाहिए थी ये मुझे parallel चाहिए थी. तो जब ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो गए तो ऑब्वियसली ये दोनों मेरे पैरेलल हो गई, ठीक है. अब इसके बाद हमें क्या करना है, हमें दिया हुआ है थ्री रेशो टू, ठीक है. तो जो ये थ्री है तो इसका मतलब हमने यहां पर थ्री आर्क्स कट करने हैं, ठीक है. और जो ये टू है इसका मतलब हमने यहां पर टू आर्क्स कट करने हैं, ओके. सो हमने इसको नाम दे दिया, ये मेरा रे ए एक्स है एंड ये मेरा है रे बी वाई, ठीक है. अब हमने जितने रेडियस से यहां पर आर्क्स ड्रॉ करेंगे उतने ही रेडियस से हम बी वाई पे भी आर्क ड्रॉ करेंगे. अगर मैंने यहां वन टू थ्री आर्क्स ड्रॉ करे ए एक्स पे, यहां पर हमें करने हैं टू आर्क्स. ये हमने टू आर्क्स ड्रॉ कर दिए. बस बहुत ही सिंपल मेथड है. इसके बाद हम इन दोनों को ज्वाइन कर देंगे. ये थ्री थर्ड नंबर वाले आर्क से इस सेकेंड नंबर वाले आर्क को हम ज्वाइन कर देंगे लाइक दिस. दैट इज इट. और कुछ भी नहीं करना हमने. ये ऑटोमेटिकली आपका थ्री रेशो टू में डिवाइड हो गया. ये हमने नाम दे दिया पी. इस वाले मेथड में जस्टिफिकेशन आप कैसे करने वाले हैं बच्चों. जस्टिफिकेशन के लिए आप सबसे पहले ट्रायंगल लेंगे, इसको नेमिंग कर देते हैं हम ए वन ए टू ए थ्री, और ये है हमारा बी वन एंड बी टू, ओके. तो इसमें हम क्या करेंगे, इन ट्रायंगल ए पी ए थ्री या फिर ए ए थ्री पी, ए ए थ्री पी एंड ट्रायंगल बी बी टू पी,
बी बी टू पी, ठीक है. ये वाला एंगल विच इज ए थ्री ए पी, एंगल ए थ्री ए पी इज इक्वल टू एंगल बी टू बी पी, बी टू बी पी, ठीक है. ये आपको पता है क्यों है, क्योंकि अभी हमने बाय कंस्ट्रक्शन करे ही हैं ये दोनों इक्वल एंगल्स ड्रॉ, ठीक है. ये हमारा बाय कंस्ट्रक्शन है. उसके बाद एंगल ए थ्री पी ए, एंगल ए थ्री पी ए इज इक्वल टू एंगल बी टू पी बी, बी टू पी बी वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स. तो ये दो एंगल्स के कारण बाय ए ए सिमिलैरिटी हमारे ये दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर हो गए. नेमिंग हम बहुत ध्यान से करने वाले हैं. ट्रायंगल ए ए थ्री पी अगर मैं यहां पर लिखती हूं इज सिमिलर टू ट्रायंगल, ये जो ए है इस वाले ट्रायंगल का वो हमारे इस वाले ट्रायंगल के बी के इक्वल है. सो इस ए की जगह बी आएगा. ये जो ए पी है, पी इस वाले ट्रायंगल का जो पी है वो इस वाले ट्रायंगल के पी के इक्वल है. सो जहां पर पी है वहीं पर पी आएगा. और तीसरा क्या बचा है हमारा इस वाले ट्रायंगल में, बी टू, तो यहां पर हम बी टू लिख देंगे, करेक्ट. इसके बाद जब हमारे ट्रायंगल सिमिलर हो जाते हैं तो हमारी साइड्स प्रोपोर्शनल हो जाती हैं, करेक्ट. तो साइड्स प्रोपोर्शनल हम कैसे लिखेंगे, ए ए थ्री अपॉन बी बी टू, ए ए थ्री अपॉन बी बी टू इज इक्वल टू ए पी अपॉन बी पी, ठीक है. ए ए थ्री अपॉन बी बी टू हमने बाय कंस्ट्रक्शन 3:2 है ही हमारा, करेक्ट. 3:2 इज इक्वल टू ए पी अपॉन बी पी, करेक्ट. तो हमारा ए पी अपॉन बी पी 3:2 में डिवाइड हो गया ना. ऑल राइट, सो दिस वॉज द सेकेंड मेथड ऑफ दिस क्वेश्चन. डिवाइड अ लाइन सेगमेंट ऑफ 6 cm इंटरनली इन द रेशियो 3:2. ओके, सो दिस क्वेश्चन कैन बी डन इन बाय टू मेथड्स. आप कोई सा भी मेथड अप्लाई कर सकते हैं. स्टूडेंट्स होपफुली आपको समझ आया होगा. इफ येस डू राइट इन कमेंट सेक्शन एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब्ड येट. ओके, सो आगे के क्वेश्चन हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में सीखते हैं. टिल देन ओके, बाय बाय, सी यू.